गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर अकेडमी में। डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर। एज यू नो एंड हैव यू ऑलरेडी रीड अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर, टैगोर वॉज द कॉल्ड द बार्ड ऑफ बंगाल। इफ यू टॉक अबाउट द टैगोर, टैगोर वॉज द ग्रेट पर्सन, ग्रेट फ्रीडम फाइटर एंड अ ग्रेट पोएट हू रोट एट ग्रेट पोएम्स कलेक्शन दैट नेम इज गीतांजलि। डियर स्टूडेंट, वी टॉक अबाउट द रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बोर्न 7 May 1861 एंड ही डाइड अवे 7 August 1941 एंड हिज फादर नेम वॉज महर्षि देवेंद्रनाथ दत्त। इफ यू टॉक अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर, देन वी फाइंड दैट टैगोर की जो फैमिली थी वो बहुत ही रिच फैमिली थी और ये बंगाल से बिलोंग करते हैं, बंगाली पोइट है। अधिकतर ये अपनी कविताएं 50 साल की उम्र तक इन्होंने बंगाली भाषाओं में ही ये लिखी है, अंग्रेजी भाषा का इन्होंने प्रयोग नहीं किया। वैसे ही हैज ए ग्रेट नॉलेज इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड ही वॉज अपॉइंटेड एज ए प्रोफेसर इन अमेरिका एज ए इंग्लिश प्रोफेसर, बट टैगोर वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन इट। ही वॉन्टेड टू सर्व इंडियन कंट्री एंड इंडियन पीपल, सो ही केम टूगेदर विद महात्मा गांधी एंड ही फोट मेनी बैटल्स एंड मेनी फ्रीडम मूवमेंट विद महात्मा गांधी। इफ यू टॉक अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर, तो देन देर आर ग्रेट पोएम्स, उनकी कई सारी ऐसी कविताएं हैं जिनके माध्यम से हमें झलकता है कि टैगोर एक बहुत ही प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रहे हुए हैं। उन्हीं की एक कविता को लेकर के आज हम डिस्कस करेंगे। दैट नेम इज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। डियर स्टूडेंट, ये हेवन ऑफ फ्रीडम के नाम से भी जानी जाती है और एक गीतांजलि नामक संग्रह में से ये कविता ली गई है। डियर स्टूडेंट, फॉर दिस काइंड ऑफ कलेक्शन ही वॉज अवार्डेड नोबल प्राइज इन 1913। तो इस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत ही महान कवि के रूप में जाने गए हैं, जाने जाते हैं। आज हम उन्हीं की एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है जिसको लेकर के आज हम डिस्कस करेंगे। दैट नेम इज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। तो वीडियो को अंत तक बने रहे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं इनकी जो पोएम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, इसे हेवन ऑफ फ्रीडम के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये एक छोटी कविता है जिसमें देखो टैगोर ने अपने आप को ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज ए ट्रू फ्रीडम फाइटर एंड एज ए ट्रू फ्रीडम फाइटर एंड ट्रू पर्सन ऑफ इस कंट्री। उसके माने इस कविता के माध्यम से उन्होंने समझाना चाहा, ये कविता में बताती है कि रियली टैगोर वाज ट्रूली डेडिकेटेड फॉर इस कंट्री एंड इस कंट्री पीपल। लिखा है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हिल्ड हाई। यहाँ पर कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे मेरे प्रभु परमात्मा, कि मेरे देश को ऐसा देश बनाओ जहां पर विदाउट फियर, जहां पर लोग बिना डर के रहे, जहां पर लोगों के माइंड विचार बिना डर के रहे। एंड द हेड इज हिल्ड हाई, और जहां पे हेड का मतलब विचार, हिल्ड हाई ऊंचे विचार हो, यानी कि जो हमेशा उच्च विचार रखने वाले हो। एंड दे डू नॉट फाइट ऑन द इशू ऑफ कास्टिज्म, दे डू नॉट फाइट ऑन द इशू ऑफ रिलीजन। वो इस तरह से कहता है कि मेरे देश के लोग जब भी सोचे ऊंची सोच सोचे, वेयर नॉलेज इज फ्री, हे प्रभु परमात्मा मेरे देश को ऐसा देश बनाओ जहां पर लोगों को ज्ञान रूप में मिले, जहां पर लोगों के बीच में किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो ऑन द इशू ऑफ एजुकेशन, जहां पर शिक्षा को लेकर के उनके बीच में कोई भेदभाव न हो। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स, वर्ल्ड का मतलब हो गया लोगों का समूह, संवाद, जहां पे हमारा संवाद हैज नॉट बीन ब्रोकन, नहीं बटा हुआ हो इनटू फ्रैगमेंट्स, टुकड़ों में, बाय नैरो डोमेस्टिक मार्क। वो टुकड़े किसके हैं? संकीर्ण डोमेस्टिक घरेलू दीवारें। संकीर्ण घरेलू दीवारें का मतलब ये हो गया जाति, समाज आदि के आधार पर मेरे देश के लोग धर्म के नाम पर आपस में लड़े नहीं, और आपस में लड़ करके वो अलग अलग टुकड़ों में न बटे हुए हो। फिर कह रहे हैं टैगोर, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, हे प्रभु परमात्मा मेरे देश को ऐसा देश बनाओ जहां पर शब्द, वर्ड्स कम आउट, जहां पे शब्द आए फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, सत्य की गहराई से, यानी कि मेरे देश के लोग सत्य का पालन करें। यहां पर टैगोर अपने देशवासियों को ही वांटेड टू मेक अ ट्रू फ्रीडम फाइटर, ही वांटेड टू मेक अ ट्रू रिलीजियस पर्सन, ही वांटेड टू केम टूगेदर एवरी हिज कंट्री पीपल ऑन वन प्लेटफॉर्म। इस तरह से टैगोर की सोच रही है। फिर कह रहे हैं टैगोर में वेयर कार्लेज स्ट्रीमिंग स्ट्रीट्स
इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, जहां पर टैगोर कह रहे हैं कि हे परमप्रभु परमात्मा, मेरे देश के लोग ऐसे बने जहां पर न थकने वाली स्ट्रिंग प्रयास करती हुई स्टिच फैली हुई आर्ट्स इट्स आर्म्स उनकी बुझाएं टुवर्ड्स परफेक्शन, पूर्णता प्राप्त करने के लिए तैयार हो। यानी कि कभी यहां पर यह कहना चाह रहा है हे परमप्रभु परमात्मा, मेरे देश के लोग ऐसे बने कि वो अपनी बाहें फैलाकर अपने देश के लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहे, यानी कि पूर्णता प्राप्त करने के लिए, जहां पर मेरे देश के लोग एक से कंधा मिला के हाथ से हाथ मिलाते हुए एक दूसरे से काम करें, जिनमें छुआछूत जाति धर्म आदि को लेकर के आपस में लड़े नहीं और आपस में बटे नहीं। He wanted to make them true person. He wanted to make them true religious person. And he wanted to collect all Indians only one platform where they do not fight on the issue of casteism, on the issue of religion. He wanted to make them a better person. He wanted to make them these kind of people who came closer on the issue of success. जो एक दूसरे की उन्नति में साथ आए, जहां पर एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहे। तो इन कविता की पंक्तियों से हमें यह झलक रहा है कि रियली टैगोर वाज ए ट्रू फ्रीडम फाइटर एंड ही वाज ए ट्रू रिलीजियस पर्सन एंड ही वाज ए ट्रू लवर ऑफ हिज कंट्री। अब हम चलते हैं सेकेंड स्टंजा पे। सेकेंड स्टंजा में कवि कह रहा है वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन इज नॉट लॉस्ट इट्स वे इन टू द ड्रेरी डेजर्ट सेंट ऑफ डेटेबिस्ट। देखो बड़ी अच्छी लाइन है, कभी कह रहा है इसमें हे परम प्रभु परमात्मा, मेरे देश के लोगों को ऐसा बनाओ बेहद जहां पर क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन इज नॉट लॉस्ट, जहां पे कारण की जलधारा जो साफ है। कारण की जलधारा का मतलब कि मैं चाहता हूं कि मेरे देश के लोगों के मन जो है बिल्कुल स्वच्छ पानी की जलधारा के समान स्वच्छ हो, जिसमें जातिवाद का धर्म का ऐसा कोई भी प्रदूषण उनके मन में न फैला हुआ हो। नॉट लॉस्ट इट्स वे इन टू द ड्रेरी डेजर्ट सेंट ऑफ डेड एविट। यहां पर देखो कवि ने बड़ी अच्छी बात कही है, ड्रेरी का मतलब सूखे रेगिस्तान में, सेंट का मतलब जो मिट्टी ऑफ डेड हैबिट। कवि यहां पर कहना चाह रहा है कि हे परम प्रभु परमात्मा, मेरे देश के लोगों को ऐसा बनाओ जिनका उनका हृदय एक स्वच्छ पानी की निर्मल जलधारा के समान बिल्कुल शुद्ध हो, जो ऐसे न खो जाए जिसमें जातिवाद का धर्म का मटमेला पानी ऐसे न मिल जाए कि उनके मनों में जो एक दूसरे के प्रति प्रेम और सद्भावना है वो ऐसे न खो जाए जैसे कि एक मिट्टी एक पानी की जलधारा एक सूखे रेगिस्तान में बहकर के वह उस मिट्टी में अपना अस्तित्व खो देती है। उसी तरह हे प्रभु परमात्मा, मेरे देश के लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति जो प्रेम भाव जो सद्भावना जो आदर है वो इस तरह से खो न जाए। किसकी वजह से? जातिवाद के प्रदूषण की वजह से, धर्म के प्रदूषण की वजह से आपस में लड़कर के वो इस स्वच्छता को या इस प्रेम को आपस में भुला न दे। तो यहां पर कवि हमें यह भी ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। फिर कह रहा है वेयर द माइंड इज लीड, हे मेरे प्रभु परमात्मा, मेरे देश के लोगों के माइंड विचार इज लीड आगे बढ़ाने वाले हो बाय दी इन टू एवर वेटिंग थॉट, यानी कि उनके हमेशा वेटिंग प्रयास और उनकी सोच और उनके कार्य हमेशा देश को आगे बढ़ाने वाले हो और एक दूसरे का पथ प्रदर्शन करने वाले हो, यानी कि मेरे देश के लोग हमेशा एक दूसरे के साथ कदम से कदम बढ़ाते हुए चले और देश की उन्नति में अपनी भागीदारी दी। इंटू देट हेवन ऑफ फ्रीडम, हे मेरे परम प्रभु परमात्मा, मेरे देश के लोगों को ऐसा स्वर्ग दो ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता का, जहां पर लोग जातिवाद से धर्म के नाम पर आपस में न लड़ते हुए एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक स्नेह के साथ लोग रहे। माई फादर है ईश्वर, लेट माई कंट्री वे, हे मेरे परम प्रभु परमात्मा, मेरे देश को जगाओ, अरे मेरे देश को जगाओ, वेयर देयर इज नो एनी काइंड ऑफ इल विल इन द माइंड ऑफ माई कंट्री पीपल। यानी कि पूरी की पूरी कविता वो शॉर्ट पोएम है जिसमें कवि प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज ए ट्रू फ्रीडम फाइटर एंड ए ट्रू पेट्रियोट पर्सन थ्रू आउट द पोएम। द पोएट वांटेड टू ओनली प्रोग्रेस ऑफ हिज कंट्री, ही वांटेड टू मेक हिज कंट्री पीपल बेटर एंड लवेबल फॉर देयर कंट्री, ही वांटेड हिज कंट्री पीपल टू वर्क ओनली फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, दे डू नॉट फाइट टू वन अनादर ऑन द इशू ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, दे ऑलवेज लीड फॉरवर्ड, दे ऑलवेज ट्राई टू मेक देम हैप्पी टू वन अनादर, दे डू नॉट
They do not criticize one another. They always think about the progress of country and the progress of country people. Thus, Tagore presented himself as a true lover and a true patriot person. This poem presented Tagore a good picture before us that Tagore was really a great person, true freedom fighter and true patriot person. तो इस कविता के माध्यम से टैगोर ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए बताया कि हे मेरे प्रभु परमात्मा, मेरे देश को ऐसा बनाओ जहां पर लोग आपस में लड़े नहीं, जहां पर आप लोग आपस में प्रेम पूर्वक रहें, जहां पर लोग एक दूसरे की कद्र करें और जहां पर लोग कंधे से कंधा मिला के हाथ से हाथ मिलाकर अपनी बाहें फैलाते हुए एक दूसरे का साथ दें, जहां पर किसी भी तरह का जातिवाद और धर्म का प्रदूषण उनके मन में न हो और हमेशा वो ऐसा कार्य करें जो देश की उन्नति के लिए हो, हमेशा वो देश की उन्नति में ही भागीदार बने। इस तरह से ईश्वर से वो प्रार्थना करता है और अपने देश और अपने देशवासियों के लिए वो एक ऐसे स्वर्ग की तलाश करना चाहता है जहां पर किसी भी तरह की बुरी भावना की कोई भी जगह न हो। तो इस कविता से टैगोर ने अपने आप को एक स्वतंत्र और एक अच्छे देशभक्त के रूप में प्रेजेंट किया है। डियर स्टूडेंट, आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।